वेलकम बैक। तमाम सहेलियों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और आज मैं अपनी एक ऐसी सहेली और उनकी बेटी से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ जिनका मुकाम मेरी नज़र में क्या इस पूरे माशरे में बहुत बुलंदतर है, बिकॉज़ ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो पिछले 30 सालों से मुसलसल काम कर रही हैं और एक ऐसा काम जो लोगों की ज़िंदगियों को बदल देता है। इन्होंने हमेशा ना सिर्फ स्माइल से हमेशा लोगों का इस्तकबाल किया बल्कि हमेशा लोगों को सजाया संवारा। और लेटली क्या, आप तो बहुत अरसा हो गया इस काम को भी, पहले वो चेहरे संवारती थी और मैं हमेशा उनके लिए लाइन बोलती हूँ, अब वो लोगों की ज़िंदगियाँ संवार देती हैं। और ऐसे लोग जो है ना अल्लाह की ज़ात चुन लेता है ख़ुद से, बिकॉज ये काम हर किसी के नसीब का नहीं होता कि आप लोगों को एम्पावर करो, आप लोगों को बताओ कि अगर आपके साथ मुश्किल वक्त आया या अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आई तो क्या हुआ, हमें पीछे नहीं बैठना, हमें आगे बढ़ना है। और जो ऐसी शख्सियत होती है वो वाकई, उनको हम कहते हैं वुमेन ऑफ सब्सटेंस। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हर, एक्चुअली द वे आई स्पीक एट टाइम्स आई लर्न फ्रॉम, आई लिसन टू हर एंड आई ट्राई टू कॉपी हर। वी हैव मुसर्रत मिसबा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है, ऑलवेज स्माइलिंग शाइनिंग सहेली, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, अलॉन्ग विद हर आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव समवन जो कि बहुत ही एक इनलाइटन्ड बच्ची, मैं कहूँगी मेरे लिए तो बच्ची है, एंड वेरी एम्पावर्ड गर्ल जिन्होंने बहुत कम उम्र के अंदर बहुत काम किया और अपनी माँ का, वैसे तो कहते हैं ना लड़के जो हैं वो बाजू बनते हैं माँ का या बाप का, मगर ये एक ऐसी बच्ची है जो अपनी माँ का बाजू बनी और पूरे डेप्लेक्स जो विजन है उसके एम्पायर को चला रही हैं और इतना अच्छा काम कर रही हैं। वी हैव हाईली क्वालिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट रिदा। अस्सलाम वालेकुम रिदा मिसबा, ऑब्वियसली हु इज़ द डॉटर ऑफ मुसर्रत आपा। हाउ आर यू? रिदा जस्ट गॉटन मैरिड तो प्लीज इसका नाम रिदा मिसबा कुरैशी कर देते हैं। रिदा मिसबा कुरैशी। Okay, congratulations. Thank you so much. I was so happy when I found out because it's a collaboration between Tony and Guy and Deplex Vision. Acha, isme to waise Musarrat Apa bada competition bhi hota hai na, which is very healthy also. Need very healthy. Isi tarah hum competition ko kill karte hain. Acha. Shaadi kar kar. अच्छा जी, हमारे साथ बात यह है कि जी क्योंकि हम सहेलियों को एड्रेस करते हैं तो आप तो हमारी सहेली हैं और आप जैसे लोग तो हमारे शो पे आके रौनक लगाते हैं, मगर एक रौनक लगती है उन सहेलियों की वजह से जो हमें कॉल करती हैं। तो फौरन ही एक कॉलर आ गई हमारे साथ, आपसे भी बात करते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी रिजवाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सहेली, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह रोजाना देखती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। थैंक यू। और मैं तो रूजी बोलूंगी तुम्हारा भी नया स्टार्ट प्रोग्राम है लेकिन मुझे तो लगता है कि मुकम्मल एकेडमी है ये। Thank you ये प्रोग्राम नहीं है, ये एक एकेडमी है जिसे हम घर में जो खवातीन रहती हैं वो यकीन करो हमें कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमें मिल जाता है तुम्हारे प्रोग्राम में। So nice of you, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है ये। और मैं जो तुम्हारी सहेली हूँ तो मेरे हाथ से भूल गई, मैं तुम्हारी रमजान वाली सहेली बात। ओह अच्छा, ये वो वाली है, अच्छा ठीक है, रमजान का समा वाली। थैंक यू, रमजान की समा वाली सहेली, बहुत शुक्रिया। हाँ, और ये जो मिसबा आई हुई है इनको मैं सलाम बोलूंगी, इनको ये प्रोग्राम का सलाम नहीं, इनको मेरा वैसे भी सलूट है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह मैं इनके सारे प्रोग्राम देखती हूँ। ये मतलब पहले तो लोगों को खूबसूरत बनाती है, मजीद अल्लाह के लिए भी लोगों को खूबसूरत बनाती है। कितनी खूबसूरत बात है, बेशक शुक्रिया। अल्लाह के लिए जो खूबसूरत बना रही है वो इनके मैं प्रोग्राम देती हूँ, यकीन करो इतनी दिल से दुआएं निकलती है, मैं कहती हूँ शायद जब ये तरक्की कर रही है इतने, मतलब ये ऐसे लोगों की दुआएं ले रही जिनको ये नहीं भी जानती है। बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों की मोहब्बत होती है जिसकी वजह से और जज्बा उभरता है। मोहब्बत इतनी है कि देखो कि कराची से कॉल कर रही हूँ, इतनी मुश्किल से पूरा सुबह बच्चे को स्कूल से भेज के मेरा काम ही यही कॉल मिलाना जो आज मुझे मिली है। अच्छा रिजवाना बहन सहेली, ये बताओ कि फोन किया था कोई बच्ची की बात करनी थी? हाँ, बच्चे की मैं बात करूंगी, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। हाँ, और मैं अपने टिप आपको दूंगी रोज के, मैं माशाल्लाह हाउस वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे जॉब नहीं कराई बच्चों के खाते ना। ओह अच्छा, तो मैं अपने बच्चों की मैंने तरबियत इस तरह से की है माशाल्लाह माशाल्लाह की आज मेरे बच्चे मैके में और ससुराल में मिसाली बच्चे शुमार होते हैं। माशाल्लाह, ठीक है माशाल्लाह। वो इस वजह से कि मैंने उनके खातिर हर चीज उसको फॉलो किया जो इनकी ट्रेनिंग में शामिल है। बिल्कुल, तो कोई टिप ऐसा देंगी ताकि हम आपको? यही होगी कि ना मैंने अपनी मदर इन लॉ को, मैंने अपने महल्ले वालों को, मैंने अपने हस्बैंड को हर चीज सर्च
सच पे उनको दिखाया है, हर चीज उनकी खिदमत करने में सच बताया है कि देखो आगे इस तरह से करोगे तो आप लोगों के लिए भी अच्छा ही होगी। एक्सेलेंट, जबरदस्त। अब हम आपको जॉनसन्स बेगी बेबी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देते हैं, ठीक है, इसी खूबसूरत और अच्छी बात की वजह से। कंग्रेचुलेशन। अच्छा, बिफोर वी गो ऑन, शुक्रिया एंड हैव एन ए प्लस डे सहेली। इससे पहले कि हम बातों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएं, एक सरप्राइज है जो मुसर्रत आपा भी अनाउंस करना चाहती हैं, और उन्होंने कहा ये जो महफिल सजी है ना सहेलियों की, इसमें ये भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। जी मुसर्रत आपा, आप खुद ही बता दीजिए। क्योंकि ये हमारा 30 साल का सेलिब्रेशन है माशाल्लाह से, तो हम आपके आइंदा प्रोग्राम्स में भी अपनी जितनी भी सहेलियाँ जो आपको वॉच करती हैं और जो आपके किसी पर्टिकुलर कोई सवाल के जवाब सही दे रही हूँ या जिनको आप मुनासिब समझती हैं, उनके लिए हमारी तरफ से भी गिफ्ट वाउचर्स हैं जो कि वो कराची और लाहौर के जो डेप्लेक्स हैं वहाँ पर जाकर वो अवेल कर सकती हैं। वेरी गुड, जबरदस्त जी। तो सहेलियों कॉल करना शुरू कर दो। अच्छा सवाल, हम जो बातें करेंगे गौर से सुननी है आपने, क्योंकि इन्हीं बातों में से एंड पे आपसे सवाल किया जाएगा और सवाल के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा 30 साल हो गए हैं आपा, कैसा लग रहा है? उफ, इतनी मेहनत, और कहाँ से स्टार्ट किया और क्या कुछ हुआ बीच में? बहुत अच्छा है, अभी भी ऐसा लगता है कि कल ही शुरू किया है, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस। हर रोज़ जो है वो काम, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो मुझे सिखाता है। और जो सबसे प्यारी चीज़ है वो ये कि क्योंकि अब रिदा मेरे साथ है, तो मुझे ये लगता है कि जहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं थक गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है रिदा मैं थक गई हूँ। अम्मा नहीं थक सकती। अच्छा आप इसी फील्ड में आए तो बचपन से यू हैड दिस इंस्पिरेशन? अम्मा आपको हमेशा जब भी कोई सवाल पूछता है, अम्मा एक बहुत ही एम्बेरसिंग सी स्टोरी बताती है, मेरा मुँह लाल हो जाता है। बचपन से तो खैर मैं नहीं वो स्टोरी आपको बताना चाहिए, लेकिन हमेशा मेरे ये इरादे नहीं थे। अच्छा अम्मा से शिकायत है, होती है? नहीं अम्मा से नहीं, ये शिकायत होती है कि अम्मा जो है हर जगह मैं यही कहती हूँ अम्मा इज टू नाइस, और पीपल लोग उनको यूज करते हैं, इनकी इस नाइसनेस को जो है वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप क्यों हैं इतनी नाइस और कैसे हैं ये नाइसनेस का क्या कोई तावीज खाया था क्या था यू हाउ इट हैपेंड? आई थिंक मेरी नाइसनेस का अगर मुझे अपनी माँ का 5% भी मिल जाए तो मैं समझूंगी कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि इफ यू मीट माई मदर, तो नानी इनकी, अच्छा आप हैरान हो जाएंगी कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। आई थिंक मुझे वो वहाँ से उनसे मिला, और लेकिन क्योंकि वो तो हाउसवाइफ है ना, तो उनके लिए लोगों के साथ प्यार का सलूक, खिलाना, आप 2 मिनट बैठ ही नहीं सकते ना, खाओ खाओ खाओ, ऐसे लोग बड़े कम है हमारी जिंदगी में। लेकिन आई थिंक यही चीज जो होती है वो प्रोफेशनली जो है ना, वो थोड़ी सी रिदा इज राइट के वो मैं वहाँ पर मैं धोखा खा जाती हूं। लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर आपको तंग भी करते होंगे आई एम श्योर, जिद भी करते होंगे, बट एट द सेम टाइम आई ऑलवेज रिमेम्बर माय फादर्स। उन्होंने मुझे एक दफा, डैडी माँ दोनों को ही बात हो रही थी, हम लोग किसी दिन चिढ़ रहे थे उनसे कि आपको पता नहीं है कि ये क्या आपके साथ कर रहे हैं, तो डैडी ने कहा कि बेटे उसका अमल उसके साथ है, मेरे अमाल मेरे साथ है। खूबसूरत बात है। तो ये चीज़ मेरी भी जहन में आ गई कि ठीक है मैं अगर अच्छा सोच के कर रही हूँ तो मुझे उसका जज़ा और उसका सिला अल्लाह ताला ने देना है, इंसानों ने नहीं देना। इफ़ दे अप्रिशिएट तो अल्लाह ताला उसका एक हिस्सा उधर भी चला जाता है, असल चीज़ तो ये है ना। बल्कि मुझे लगता है इंशाल्लाह इन कमिंग डेज मुझे आपकी मदर को भी बुलाना पड़ेगा यहाँ पे, आप तीनों इकट्ठे आएगा, ठीक है? थ्री जनरेशन। अच्छा कल हमारी कॉलर थी, उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप अपने शो के अंदर बड़े अच्छे गेस्ट को बुला रहे हैं, मगर हमारी कोशिश है और आप ऐसा करें कि आप ऐसे लोगों को बुलाएं, ऐसी खवातीन को बुलाएं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल के साथ ज़िंदगी गुजारी हो। और कल यहाँ पे बुशरा रहमान साहिबा बैठी हुई थी, हु इज अ नॉवलिस्ट एंड एवरीवन शी डज अमेजिंग वर्क, तो आप देखिए उनकी भी जिंदगी बहुत मेहनत से गुजरी, और आज हमारे साथ मुसर्रत मिसबा बैठी हैं जो पिछले 30 सालों से, और उन्होंने बीच में क्या क्या काम किए, क्या क्या मुश्किलात उन्होंने देखी हैं, ये जानती हैं या इनका अल्लाह जानता है। तो ये वो खवातीन हैं वाकई जो आपने कल फ़ोन किया था और आपने कहा था कि ऐसी खवातीन को साइमा ने करके ये बात कही थी, तो साइमा आपकी इस ख्वाहिश को हमने पूरा किया और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम ऐसी
खवातीन से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम मज़ीद बातें करेंगे हमारी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस सेलिब्रिटी और गेस्ट से।